नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ चांदनी साहू। आज हमारे साथ मौजूद है इलाहाबाद स्नातक मंडल चुनाव के प्रतिनिधि सुनील यादव जी। सुनील यादव जी एक नेता के साथ साथ समाजसेवी, अधिवक्ता और पत्रकार भी हैं, तो उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं, तो उनके काम को उन्हीं के द्वारा जानते हैं। तो सबसे पहले सुनील जी, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपसे एक नेता के रूप में बात करें या अधिवक्ता के रूप में बात करें, आप पत्रकार भी रह चुके हैं, तो हम आपसे किस बारे में बात करें? देखिए, मैं समझता हूँ आप मुझसे एक जागरूक नागरिक के तौर पे बात करें। एक जागरूक नागरिक के तौर पे अगर आप बात करेंगे तो हम अधिवक्ता की बात भी करेंगे, छात्रों की बात भी करेंगे, बेरोजगार की बात भी करेंगे और नौकरी पेशा लोगों की बात भी करेंगे, पत्रकारों की बात करेंगे। तो आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, तो आपको लगता है कि आज की जो राजनीति है बहुत नैरो माइंडेड हो गई है? नहीं, राजनीति नैरो माइंडेड नहीं हो गई, राजनीति का थोड़ा सा एक जो प्रवृत्तियाँ हैं वो बदल गई हैं। आज एक दौर था अपराधियों का राजनीतिकरण हो रहा था, अब राजनीति का अपराधीकरण होता है। तो अब धीरे धीरे, अब देखिए आज की तारीख में जो पब्लिक है वो जो अपराधी छवि के जो नेता हैं, जो प्रत्याशी आ रहे हैं आज, उनको नकार रही लगातार। पिछले 10-15 सालों में लगातार अपराधियों को राजनीति से जनता दूर कर रही है जी। तो आप ये बताइए, आप हमें अक्सर मुलायम सिंह यादव जी को अखिलेश यादव से परिपक्व मानते हैं, इसका क्या कारण है, इसकी वजह क्या है? देखिए, माननीय नेता जी धरती पुत्र, इसीलिए उनको कहा गया कि वो जमीन के नेता थे और उन्होंने जमीन से राजनीति शुरू की और अखिलेश जी को उनकी विरासत मिली और अखिलेश जी उस विरासत को जो उनको मिली वो नहीं समझ पा रहे कि जिस जमीन से नेताजी ने राजनीति शुरू की वो जमीन कैसी थी, उस जमीन का रीज़न क्या था, उस जमीन का विज़न क्या था, वो उस चीज़ से भटक रहे हैं। ये आज यही वजह है कि 2017 के चुनाव में अखिलेश जी को मुक्की खानी पड़ी है जी। हम राज स्नातक मंडल के चुनाव के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये आजकल राजनीति में गठबंधन का दौर चल रहा है, तो गठबंधन सही है या फिर ये स्वतंत्र राजनीति सही है? देखिए, गठबंधन तो राजनीतिक व्यवस्थाएँ हैं, सत्ता हासिल करने के लिए कहन प्रकार गठबंधन करना पड़ जाता है, जो जनमत जैसा मिलता है उसके मुताबिक गठबंधन होते हैं चुनाव के बाद के। लेकिन चुनाव के पूर्व के जो गठबंधन है वो तो बिल्कुल खुली किताब है, जो जनता के सामने जिस तरह से वो जा रहे हैं, माननीय सपा अपना दल का गठबंधन है तो ये आम जनता के सामने है कि हाँ ये दोनों एक हैं। सपा कांग्रेस का गठबंधन जब हुआ तो लोगों के सामने था कि हाँ सपा कांग्रेस एक है। तो सपा गठबंधन दो तरह के हैं, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद। तो चुनाव के बाद का जनता के द्वारा दिया गया जनमत के आधार पर, और ये अपनी कहा जा रहा है कि आप प्रदेश अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जमुना प्रसाद जी के बहुत करीबी हैं, तो क्या आप किसी दल से चुनाव लड़ेंगे या स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम जो चुनाव इलाहाबाद झांसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी। वो मैं मानता हूँ कि इस चुनाव में खासकर राजनीतिक दलों की जो हस्तक्षेप है वो नहीं होना चाहिए। कारण के यहाँ पर हमको किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, किसी को मंत्री नहीं बनाना है, यहाँ पर सिर्फ एक स्नातक, जो स्नातक लोग हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में विधानसभा परिषद के अंदर जाके उनकी आवाज़ उठाने का सवाल है। आज सवाल ये है कि जो स्नातक के स्नातक पास लोग हैं, तमाम सारे लोग अधिवक्ता हो रहे हैं, बहुत सारे बेरोजगार घूम रहे हैं, आरक्षण की समस्याएं हैं, तमाम सारी इस तरह की समस्याएं जो स्नातकों की हैं, उनका प्रतिनिधित्व बन करके वहाँ जाना और उनकी आवाज़ उठाने का सवाल है। यहाँ किसी राजनीतिक दल की गुलामी या राजनीतिक दल का नेतृत्व की बात नहीं है जी। तो आप दल की बात कर रहे हैं, तो जो प्रदेश की राजनीति है, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बदल गई है, बहुत सारे दल आ गए हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में दल बनना, दलों का गठन, दल चुनाव में लड़ना, ये सब तो लोकतंत्र का एक प्रक्रिया है। आपकी राजनीति में क्या बदलाव आया है वही जानना चाहते हैं। देखिए, फिलहाल में अभी जो मेरा मकसद है स्नातकों का प्रतिनिधित्व करना, क्योंकि तमाम सारे मैं देख रहा हूँ स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से पिछले विगत 20-25 सालों में यह स्थिति है कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र एक तरह अप्रासंगिक क्षेत्र हो चुका है। इसके बारे में चुनाव जब आता है तब लोग सीमित दायरे के लोग जानते हैं कि कौन चुनाव लड़ रहा है, कौन चुनाव वोट दे रहा है, और पूरा साल बीत जा रहा है लेकिन किसी को ये नहीं मालूम चला कि स्नातक विधायक का काम क्या है, कर क्या रहे हैं वो और किया क्या उन्होंने।
तो चलिए आप राजनीति पे बात करते हैं। तो आप स्नातक का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आप ये स्वतंत्र रूप से लड़ लेंगे चुनाव या फिर किसी राजनीतिक पार्टी के? देखिए, मैं स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना चाहता हूँ इसलिए ताकि मैं अपनी बात किसी राजनीतिक व्यवस्था में दबा ना सकूँ। तमाम सारी बात सवाल होते हैं, जैसे आज पुरानी पेंशन का सवाल है, पुरानी पेंशन के सवाल पर आज वर्तमान स्नातक विधायक सवाल नहीं उठा सकते विधान परिषद में। क्यों? क्योंकि उन्हीं के दल ने पुरानी पेंशन को ख़त्म किया है। आरक्षण की बात अगर हम करने चलेंगे तो आज आरक्षण पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की नीति एक है, दोनों एक तरीके से आरक्षण को ख़त्म करने पर आमादा थी। समाजवादी पार्टी को लोग मानते हैं ये ओबीसी की पार्टी है, अखिलेश यादव उसके मुख्यमंत्री रहे हैं और मुलायम सिंह जी उसके नेतृत्व कर रहे हैं, तो आरक्षण के समर्थक। लेकिन वास्तविकता धरातल पे ये है कि वास्तव में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो दृष्टिकोण आरक्षण के मुद्दे पर है वो एक है। तो मेरा ये अब आपसे सवाल है कि कुल 10 जिलों में स्नातक का चुनाव होने वाला है, तो 10 जिलों में जाकर वहाँ के काम को मैनेज करना कितना मुश्किल भरा होता है? देखिए, मुश्किल भरा तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 10 जिले को मैनेज करना और इतने बड़े संगठन के दम पे ही ये चुनाव लड़ा जा सकता है। और अब मेरे साथ बहुत सारे अम्बेडकराइज संगठन, समाजवादी विचारधारा के संगठन भी हैं, तमाम सारे इस तरह के विचारधाराओं के संगठन हैं जो हमारे साथ खड़े हैं और हमारे लिए काम कर रहे हैं, और उनकी टीमें हमारे लिए 10 जिलों में काम कर रही हैं। क्या आपको लगता है कि स्नातक चुनाव में मतदाताओं के प्रति कोई साजिश होती है या फिर क्योंकि ये जो जागरूकता का दौर है अब स्नातक में भी बहुत कम लोग मतदाता बन पाते हैं, इसका कारण क्या है? देखिए, साजिश नहीं कह सकते, इसको सिर्फ एक सरकारी उपेक्षा में मानता हूँ। जिस तरह से विधानसभा की मतदाता सूची तैयार की जाती है, सेम अगर उसी तरह से विधान परिषद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची शासन स्तर पर चुनाव आयोग द्वारा कैंप लगा कर अगर कर दिया जाए ये काम, तो बहुत अच्छा होता। और मेरे ख्याल से अगर ज़्यादा मतदाता होंगे तो एक अच्छा प्रतिनिधि चुनकर आ पाएगा, लेकिन थोड़ी सी वही सरकारी उपेक्षा है इस जी। सुनील यादव जी, आप ये बताइए कि आपका स्नातक में क्या क्या मुद्दा क्या होगा आप जिससे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मेरा सबसे पहला मुद्दा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, बीइंग मैं एडवोकेट हूँ और पिछले 20 से 25 साल हो गए लगातार स्नातक विधायक शिक्षक हो रहे हैं, अधिवक्ताओं का कोई प्रतिनिधि वहाँ नहीं पहुँच पा रहा। सवाल ये है कि अधिवक्ता का प्रतिनिधि ना होने के कारण आज हम एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल, जो हम सिर्फ सदन के अंदर पेश करने का काम अगर कोई कर दे, 403 विधायक उत्तर प्रदेश में हैं, इतने विधान परिषद है, लोकसभा है, हर जगह है, लेकिन कोई एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को पेश नहीं करने को तैयार है, क्यों? बहुत बड़ा सवाल है, जबकि रातों रात कितने बिल पेश होते हैं और रातों रात सुबह कानून बन के सामने आ जा रहे हैं, लेकिन एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल नहीं पारित हो पा रहा है ना लागू। पारित होता है तब होगा जब वहाँ पेश किया जाएगा। तो मेरा पहला मुद्दा एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को वहाँ पे पेश करना है। दूसरा मुद्दा मेरा जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, क्यों? क्योंकि आज स्वतंत्र वकालत और निर्भीक पत्रकारिता खतरे में है। तो आप चलिए, आपके बहुत अच्छे मुद्दे हैं। तो ये बताइए कि स्नातक का जो चुनाव होता है उसमें बहुत कम मतदाता बन पाते हैं और सबसे ज़्यादा मतदाता प्रयागराज के बनते हैं, तो और जिलों में 100 या 200 हज़ार तक ही मतदाता बन पाते हैं, इसका कारण क्या है? मैंने बताया एक सरकारी उपेक्षा है। देखिए, सिंपल सरकारी उपेक्षा मानता हूँ। अगर यही काम जो मतदाता सूची बनाने का काम जो प्रत्याशियों के लेवल पर और तमाम सारे संगठनों के लेवल पर बनाया जाता है, किया जा रहा है, वो काम अगर सरकारी स्तर पे हो जाता तो बहुत पारदर्शी मतदाता सूची बनती, उसके साथ साथ हमारे मतदाताओं की संख्या बढ़ जाती। जी, हमने देखा है, ज़्यादातर देखा है कि जो लोग जिनके पास स्कूल होता है, जो शिक्षा जगत से जुड़े होते हैं, वही इस चुनाव में भाग ले पाते हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि लगातार 20 से 25 साल लगातार ऐसी स्थिति बन रही है कि इस चुनाव को बावजूद इसके कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र है, शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी शिक्षक चुनाव लड़ रहे हैं। हर सारी पार्टियां, जितनी सपा, भाजपा, कांग्रेस, जितनी भी दल हैं,
सबने अपना प्रत्याशी शिक्षक को बना दिया है। अब जब शिक्षक को प्रत्याशी बना दिया, अधिवक्ताओं का कोई प्रतिनिधि है ही नहीं है, छात्रों का कोई प्रतिनिधि है ही नहीं है। आज सवाल छात्रों के सामने बेरोजगारी का सवाल, बेरोजगारी के साथ साथ आरक्षण की तमाम सारी समस्याएं, आरक्षण पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं है। तो वही युवाओं की मूल जो परेशानी है वो क्या आप देखते हैं? मूल परेशानी, मैं मुकदमा लड़ रहा हूँ तमाम सारी, 2015 पुलिस भर्ती, आपको हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी, तमाम सारे बेरोजगारों की ऐसी समस्याएं, आरक्षण के इशू इतने गंभीर इशू हैं, तमाम सारे लोग आरक्षण के मुद्दे पर इतने सारे सवाल हैं, कोई उठाने वाला नहीं है। कारण क्या है कि उन्हें मालूम है कि हमने शिक्षकों को वोटर बना लिया है तो हम चुनाव जीत जाएंगे जी। तो शिक्षा जगत के जो लोग हैं, अच्छी बात है शिक्षा जगत के, लेकिन जबकि जब उनका शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र बना हुआ है तो हमें लगता है कि राजनीतिक दलों को भी थोड़ी सी दिल बड़ा करना चाहिए और उनको भी अधिवक्ताओं को, छात्रों को, छात्र नेताओं को, युवाओं को और दूसरे व्यवसाय के लोगों को जो स्नातक से संबंधित हैं उनको टिकट देना चाहिए। लगातार सारे लोगों ने टिकट शिक्षकों को दे दिया, बाकी मतलब छात्रों की कोई ज़रूरत नहीं समाज में, अधिवक्ताओं की कोई ज़रूरत नहीं, पत्रकारों की कोई, आज पत्रकारों के सामने देख लीजिए, आज आए दिन पत्रकारों की निर्भीक खबर लिखने पर हत्याएं हो रही हैं, वकीलों की मुकदमा लड़ने पर हत्याएं हो रही, गोली मारी। कल हमारे एडमिन सचिव, नवनिर्वाचित एडमिन सचिव के ऊपर देखिए गोली मारी गई। तो ये सब क्या है कि आज सवाल ये कि हमारे जो एक वर्ग स्नातक चुनाव में हावी हो गया है, उसके लिए कुछ हमको भी सोचना पड़ेगा, कुछ राजनीतिक दलों को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक दल अपनी विचारधारा जनता पे थोपना चाहते हैं और मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। आज इसीलिए मैं स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना चाहता हूँ ताकि मैं स्वतंत्र रूप से हर वर्ग की बात उठा, शिक्षक की बात उठा सकूं, पुरानी पेंशन के सवाल उठा सकूं, आरक्षण का सवाल उठा सकूं, तमाम सारे मुद्दे हैं जो बेरोजगारों के सवाल उठा सकूं और बिना किसी राजनीतिक व्यवस्था के, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था अगर हम भाजपा में है तो पुरानी पेंशन सवाल नहीं उठा सकते, आरक्षण त्रिस्तरीय आरक्षण की बात अगर करें तो हम समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अगर होते तो हम त्रिस्तरीय आरक्षण पर नहीं बात कर सकते। आज त्रिस्तरीय आरक्षण अखिलेश यादव के जी ने ख़त्म किया, आज आरक्षण पर आज एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, लगातार एक चीज़ चल रही है कि आरक्षण भाजपा ख़त्म कर रही है। नहीं नहीं, मैं तो मानता हूँ कि जो एक चल रहा है राजनीति में कि समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है भाजपा उसका फीता करके, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसी ठीक वही स्थिति आरक्षण की भी है। आरक्षण OBC का आरक्षण, SC का आरक्षण ख़त्म करने का जो काम किया वो समाजवादी पार्टी ने किया और भाजपा तो उसका फीता काट के अपना श्रेय ले रही है। आज ओवरलैपिंग की सवाल है, ओवरलैपिंग के जरा आप जरा गौर करिए, ओवरलैपिंग को किसने ख़त्म किया? अखिलेश यादव ने ख़त्म किया, लेकिन भाजपा ने नहीं ख़त्म किया। भाजपा सिर्फ उसको प्रचारित कर रही है, उसको प्रचारित करके अपने नाम ले ले रही, उसको फ़ायदा कहाँ से होना है अपने वोट बैंक का? वो अपना वोट बैंक साथ ले रही, लेकिन अखिलेश यादव जी ने आरक्षण की हत्या किया और उसका फायदा ये BJP उठा रही है जी। क्या वजह है कि मतदाता चुनाव के बाद ठगा महसूस करता है? मतलब चुनाव हो जाता है तो जो नेता होते हैं प्रतिनिधि बनने के बाद वो अपने वादे से मुकर जाते हैं, इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, वजह तो बिल्कुल साफ है, खासकर स्नातक चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो सीधी बात है, स्नातक चुनाव एक विशेष वर्ग के बीच में चुनाव होता है, उन्हीं लोगों को मतदाता बना लिया जाता है जो हमारे इर्द गिर्द करीबी लोग हैं, हर लोग बना लेते हैं, उसके बाद वोटिंग हो जाती है, उसी चुनाव एक सीमित मतदाता होना एक बहुत बड़ी वजह है। कहा जाता है कि सुनील यादव जी अपनी बात बहुत बेबाकी से रखते हैं, तो आप इलाहाबाद प्रतिनिधि बनने के बाद, इलाहाबाद झांसी मंडल के प्रतिनिधि बनने के बाद आपकी क्या प्राथमिकता सबसे पहले होगी? देखिए, मैंने कहा ना, पहला सवाल एडवोकेट एंड जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, पहला मुद्दा ये विधान परिषद में मैं जीत के जाऊंगा और पहली सदन की पहली बैठक में अगर मैं जीत के पहुंचा तो सबसे पहला बिल मैं एडवोकेट एंड जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट रखूंगा, क्योंकि लोकतंत्र के लिए न्याय व्यवस्था और पत्रकारिता ये दोनों बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और निर्भीक पत्रकारिता और स्वतंत्र वकालत दोनों खतरे में है इस समय। और दूसरा रिजर्वेशन, आज रिजर्वेशन की एक तरीके से रिजर्वेशन को मृत प्राय कर दिया गया है, कि कहने के लिए हो गया कि हाँ रिजर्वेशन है,
बट रिजर्वेशन का जो लाभ है वो नहीं मिल पा रहा है लोगों को। मैं मुकदमा लड़ रहा हूँ बहुत सारे, बहुत 13 अभी 2015 पुलिस भर्ती को ले लीजिए, 1366 बच्चे जो ओबीसी और एससी कैटेगरी के थे वो नंबर भी ज़्यादा स्कोर किए थे, लेकिन वो नंबर ज़्यादा स्कोर करके वो जनरल फाइट कर गए, लेकिन उनको ओवरलैपिंग का फार्मूला लगा दिया गया और उनको हटा दिया गया। 1366 पुलिस भर्ती बड़ी चर्चित पुलिस भर्ती है और आज तक इसका मुकदमा चल रहा है और अभी तक जो है लोग उसमें जो है चयनित हो रहे हैं, जो लोग वहाँ उस समय निकाले गए वो अब चयनित हो रहे मुकदमे कोर्ट के माध्यम। और आज कोर्ट को भी ये कहने को मजबूर होना पड़ा कई बार कि क्या कोर्ट ना आए तो क्या लोगों को बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। जी जी, ये तो आज की सबसे बड़ी समस्या है। सवाल तो यार बिना कोर्ट जाए नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो 2022 में चुनाव होने वाला है, प्रदेश में चुनाव होने वाला है, तो आप बसपा सपा कांग्रेस या बीजेपी को किस प्रकार से देखते हैं, उनकी राजनीति को? देखिए एक चीज़ बताएं आपको, जो 2022 की बात आप कर रहे हैं, चूँकि मैं 2022 का चुनाव पर कंसंट्रेशन अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चुनाव खुद स्नातक का चुनाव लड़ रहा हूँ। बहरहाल अगर जहाँ पार्टी की बात आप कर रही हैं तो देखिए मैंने आपको कहा पहला अगर वहाँ पर अगर हम जाते हैं तो हम देखते हैं विकास की बात करते हैं, तो नो डाउट देखिए आरक्षण के मुद्दे पर अखिलेश यादव जी ने भले ही नुकसान पहुंचाया आरक्षित वर्ग को, लेकिन विकास के मुद्दे पर अखिलेश यादव जितना काम किसी ने नहीं किया। लेकिन आज तो विकास के मुद्दे आपने, ही खत्म। आपने मुझसे एक बात कहा कि मैं बहुत बेबाकी सवाल रखता हूँ, अभी मैंने आपको कहा अखिलेश यादव के खिलाफ भी बोला और आज अखिलेश यादव के लिए भी बोल रहा हूँ कि अखिलेश यादव ने अगर आरक्षण के खिलाफ काम किया किया है लेकिन विकास के मामले में अखिलेश से ज्यादा काम किसी ने नहीं किया अभी तक। तो आपकी राम नरेश जी के साथ आपका पोस्टर है, इसकी वजह क्या है? देखिए सामाजिक न्याय के पुरोधा है वो, और मेरा चुनाव लड़ने का मकसद ही नहीं, मेरे जीवन का मकसद सामाजिक न्याय है, और सामाजिक न्याय के उस पुरोधा ने जी आज प्रमोशन में रिजर्वेशन की जो बातें लोग कर रहे हैं, हवाई बातें कर रहे हैं, राम नरेश यादव ने प्रमोशन में रिजर्वेशन सन 1977 में दे दिया था, मंडल कमीशन बाद में 1977 में ओबीसी को 15% रिजर्वेशन राम नरेश यादव ने दे दिया। अगर सामाजिक न्याय की बात हम करते तो असली पुरोधा तो हमारे राम नरेश यादव हैं, इसलिए हमने बाबूजी के फोटो लगाए उनको पूरा, वो कोई छोटे नेता नहीं थे, बहुत बड़े नेता थे वो, सामाजिक न्याय के असली नेता वही थे और उनको यूपी का गांधी कहा जाता था इसीलिए। तो आखिरी सवाल जो है मेरा, यह आप इलाहाबाद झांसी मंडल से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो वहाँ की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, आपका संदेश जो भी हो? मेरा सीधा सा संदेश ये है कि इस बार राजनीतिक गुलामों को रोकिए, स्वतंत्र विचारधारा बेबाकी के साथ अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजिए, ताकि आरक्षण का सवाल भी बिल्कुल स्वतंत्र रूप से रखा जाए, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल भी रखा जाए, पुरानी पेंशन का सवाल भी रखा जाए, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट की बात भी की जाए, हर वर्ग की बात की जाए, क्योंकि राजनीतिक दल से संबंधित होने के बाद फिर हम बंध जाएंगे और कहीं पुरानी पेंशन की बात करेंगे तो भाजपा हमारी टांग खींचेगी, सपा में रहे तो त्रिस्तरीय आरक्षण की बात नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर यही है कि स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र लोगों को, ऐसे लोगों को चुने जो स्नातकों का प्रतिनिधि बनना चाहते हैं, किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधि नहीं बनना चाहते। आपका हमारे टॉक शो में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील यादव जी ने हमसे बात की और उन्होंने अपने क्षेत्र के बारे में, अपने मुद्दों के बारे में, वो जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं उसके बारे में बात की, उन्होंने अपने मुद्दों के बारे में बताया और उन्होंने कहा एक निर्भीक और बेबाक प्रतिनिधि को चुनिए, तो आपको आगे भी ऐसे जन प्रतिनिधियों से मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।